मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की सियासत शह और मात के खेल वाली रही है। सागर जिला इसमें अहम स्थान रखता है। हाल ही में सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पारुल साहू ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस पूरे मामले में भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी और भाजपा जिला अध्यक्ष राजा दुबे से मतभेदों को वजह माना गया। तो क्या वाकई में पारुल साहू अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहती, या फिर पार्टी द्वारा ही उनसे किनारा किए जाने की वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया है? क्या वो अपने इस फैसले को आने वाले दिनों में बदलना चाहेंगी? भाजपा नेतृत्व और संगठन के आला पदाधिकारियों से क्या अब पारुल साहू पटरी बैठाने में जुट गई हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की इंडिया फर्स्ट ने अपने खास प्रोग्राम पॉलिटिक्स फर्स्ट में। पारुल जी, सुर्खी जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, वजह है आपका नाराज होना। आपको नहीं लगता कि आपके विरोधी ये भी कहेंगे और कहा भी है कि भाई पारुल जी को पता चल गया है कि वो हारेंगी तो इसलिए वो कंटेस्ट नहीं करना चाहती? नहीं, मुझे लगता है ये बात मैंने क्लियर की थी पहले भी आशुतोष जी, कि ये किसी पार्टी से या संगठन की बात नहीं है, ये स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल की बात है, जिसके कारण मैंने ये निर्णय आई हैव टेकन। एंड मैं पार्टी से बनी हूँ और पार्टी के साथ हमेशा रहूँगी, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है। इंडिविजुअल जो आपके जिला अध्यक्ष हैं उनसे आपकी काफी नेम आई डोंट वांट टू टेक बिकॉज एवरीबडी नो, एंड आप क्षेत्र में चले जाएं तो एवरीबडी एनी सिंगल इंडिविजुअल कैन टेल यू बेटर। आपकी सोच थोड़ी सी सेल्फिश है, स्वार्थपूर्ण है एक इंडिविजुअल के लिए। आप कह रहे हैं कि पूरी जनता मेरे साथ में है, मैं बिटिया मानती हूँ सबको, सब उनका आपको बिटिया मानते हैं। जब जनता आपके साथ में, तो एक इंडिविजुअल के लिए आप उनका रिप्रेजेंटेशन छोड़ना चाहती हैं? आशुतोष जी, मैंने क्लियर कर लिया है कि भाई इट्स नॉट लाइक दैट, जनता के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूंगी और परिवार माना है परिवार जैसे ही रहूंगी और अभी भी और बाद में भी रहूंगी और हमेशा रहूंगी। लेकिन जिस बात को आप बार बार कह रहे हैं, एक इंडिविजुअल की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। आपके सम्मान को किसने ठेस पहुंचाई? दैट एवरीबॉडी नो भाई, बियॉन्ड दैट आई डोंट वांट टू स्पीक फर्दर इन दिस। लेकिन पारुल जी, आपकी एक इमेज लगातार ऐसी बनती जा रही है कि जो कहीं ना कहीं नाराज हैं पार्टी के खिलाफ भी स्टेटमेंट देने से नहीं चुकेंगी। आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसा हॉट केक बन गए आपके अपोजिशन के लिए भी कि भाई पारुल साहू तो बिल्कुल तैयार बैठी हुई है, थोड़ा सा उनको उकसाइए वो स्टेटमेंट देंगे? ये मुझे लगता है ये इंडिविजुअल कुछ लोगों का सोचना होगा, बट मुझे लगता है आप खुद भी प्रैक्टिकली बात देखिए, अगर पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो क्वाइट नेचुरल होते हैं और मुझे लगता है कि भाई उसमें बोलना, अपनी बात रखना, हर एक इंडिविजुअल को अधिकार है अपनी बात रखना, और उसको अगर पार्टी लाइन में आप देखें कि भाई नाराजगी में बोलना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताइए क्या ये मन में एक आपकी कहीं ना कहीं एक इच्छा भी है कि मैं मना करती हूँ, लेट द पब्लिक शुड डिसाइड कि मुझे मनाया जाएगा या मुझे हाईकमान से बोला जाएगा कि काफ़ी टाइम है अभी तो चुनाव में, तो तब तक वो मुझे मना लेंगे और मैं फिर आखिरकार ये कहूँगी कि चलिए आपके कहने पर चुनाव लड़ने को तैयार हूँ? जिस तरह का अपने सवाल पूछा है मुझसे, तो इट इज़ सैड कि अगर इस तरह की राजनीति है तो इट इज़ नॉट गुड आप जो बात कह रहे हैं। चलिए, पार्टी अगर आपको कहती है कि नहीं भाई आप ही को चुनाव लड़ना है सुरखी से, तो फिर उस वक्त आपका क्या स्टैंड? अब दैट लेट पार्टी डिसाइड, वो आज आप कह रहे हैं, बट लेट पार्टी डिसाइड व्हाट पार्टी इज गोइंग टू डिसाइड दैट टाइम, बट आई एम क्लियर इन माय, आई एम वेरी मच क्लियर इन माय स्टेटमेंट कि भाई पार्टी जिसको भी टिकट देगी, आई विल स्टैंड विद पार्टी, मैं पार्टी के साथ खड़ी रहूंगी और पार्टी के लिए काम करूंगी, जिस कैंडिडेट को बोलेंगे दैट आई विल डिसाइड दैट पार्टी, लेट पार्टी डिसाइड दैट फर्स्ट एंड देन आई विल आंसर दैट। अच्छा, उस वक्त फिर आप फैसला करेंगे, जरूरी नहीं कि आप हाँ ही कर दें या जरूरी नहीं कि ना करें, हाँ भी हो सकता है। नो, इट्स सी, इट्स लाइक आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव सेड, इट्स क्लियर कट व्हाट पार्टी विल डिसाइड, आई विल स्टैंड विद द पार्टी एंड पार्टी जिसको टिकट देगी भाई मैं पार्टी के साथ रहूंगी, दैट्स इट। ठीक है, इंप्लिकेशन तो ये भी है अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो फिर आप तो लेट पार्टी डिसाइड, नो पार्टी हैज Let party decide that. Party ने तो अभी कुछ पत्ते नहीं खोले ना। ये खोल दिए तो आप अगर बताना चाहें तो कुछ ऐसा कोई internal communication? That is between party and me. I don't want to comment right now on that. हुआ है? नहीं, I said that is between me and party. I don't want to comment on that right now. It is between you and party. There is something. Whatever it is, like party के बाद में media में नहीं बताना चाहती कुछ भी। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पारुल साहू जी। तो काफ़ी सख्त सवाल थे, काफ़ी तीखे सवाल थे मेरी तरफ से, और भले ही चाहे पारुल जी को सवाल तीखे ना लगे हों, लेकिन कुछ ऐसे सवाल ज़रूर थे जो कि सागर, जो कि बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण ज़िला है और सुर्खी विधानसभा काफ़ी सुर्खियों में भी रहती है, वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका ऐलान कर चुकी हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्या ये ऐलान चुनाव के वक्त तक जारी रहता है या पार्टी की तरफ से कोई निर्देश मिलने पर, संकेत मिलने पर ये इस ऐलान में कोई तब्दीली भी आ सकती है? फिलहाल इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पारुल साहू जी इस बाबत सोचने को तैयार हैं। तो देयर इज स्लाइट चेंज इन स्टैंड, और ये हो सकता है कि ना जो है वो हाँ में भी तब्दील हो सकती है। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार।